नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। उसमें कहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या देखना अपराध है। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। मस्जिद पक्ष की मांग है कि वाय बिंदु तय करने से पहले रिकॉल आवेदन की सुनवाई हो। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने आज शाम अपने समर्थकों की दिल्ली में गुप्त बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि वे पार्टी से बेहद नाराज चल रही है। जापान में बाढ़ में कहर मचा हुआ है। एक स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार मध्य जापान के एक सुदूर इलाके में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। कुख्यात हिस्ट्री शीटर राजा उर्फ सिजिंग राजा को चेन्नई के अकराई में पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित लोटे न्यूयॉर्क पैलेस होटल में होल्टेक इंटरनेशनल के सीईओ कृष्णप्रीत सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल हमद अल सबा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद कहा कि बैठक बहुत अच्छी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रमुख सीईओ के साथ गोलमेज बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि भारत के लिए ऐतिहासिक जीत, क्योंकि हमारे शतरंज दल ने 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड में जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायको को बधाई दी। प्रिया मोदी ने एक्स पर लिखा कि श्रीलंका भारत की पड़ोस प्रथम नीति और विजन सागर में एक विशेष स्थान रखता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे और पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन मैदान में उतरी है। इम्तियाज जलील छत्रपति संभाजी नगर से चलो मुंबई तिरंगा रैली शुरू की है, जिसके जरिए वे मुंबई में एकनाथ शिंदे सरकार को घेरने वाले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथिल्ला के मुताबिक प्रदेश का सीएम कौन होगा, इसके मसले पर विधानसभा चुनाव के बाद चर्चा करेंगे। अभी हमारा लक्ष्य भ्रष्ट बीजेपी को सत्ता से हटाना है। मुंबई में बारिश की री एंट्री होने वाली है। इस पूरे हफ्ते में मुंबई समेत अन्य जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इस दौरान तापमान में भी गिरावट आएगी। धारावी मस्जिद मामले में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और बीएमसी की गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के गुट के कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इसको लेकर बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई ने तैयारी कर ली है। घरेलू शेयर बाजार की शानदार रैली आज भी बरकरार रहने के संकेत मिल रहे हैं। पुष्पा 2 को रिलीज होने में अब 2.5 महीने से भी कम वक्त बचा है और अल्लू अर्जुन और मेकर्स मिलकर फिल्म का बचा हुआ काम पूरा करे हैं। ये थी आज के टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यू ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इन बिजी न्यूज। नमस्कार।